हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शालू विशाल लाइफ स्टाइल। सो काफी दिन हो गए हैं मैंने कोई भी रिव्यू शेयर आप लोगों के साथ नहीं किया है, एंड बस कुछ व्लॉगिंग्स में डाल देती हूँ या कुछ बिजनेस से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वो मैंने अपलोड की हैं पिछले कुछ दिनों से। तो एक्चुअली एक तो प्रॉब्लम हो रही है कि टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से वीडियोज भी मैं प्रॉपरली अपलोड नहीं हो पा रही है मेरी, बट इट्स ओके। तो आज की इस वीडियो जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो वीडियो है वो होने वाली है कैनकैन स्कर्ट या कैनकैन पेटीकोट भी आप उसको बोल सकते हो। तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, बिल्कुल लास्ट में जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था, आज से 4 या 5 महीने पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तो आई थिंक वो मेरी सेकेंड वीडियो थी जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ में। कैनकैन स्कर्ट का मैंने रिव्यू शेयर किया था एंड आप लोगों ने वो काफी पसंद भी की वो वीडियो मेरी। तो उस वीडियो में मैंने कैनकैन स्कर्ट का रिव्यू शेयर किया, बट मैंने उस कैनकैन स्कर्ट को कभी वियर नहीं किया किसी लहंगे के साथ या किसी भी गाउन के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि क्या वो कैनकैन स्कर्ट हमारे लहंगे या हमारे कोई भी प्लेन अगर गाउन है उसको एलिगेंट बना सकती है, क्या वो उसके साथ अच्छे से जाएगी, क्या उससे हमारे लहंगे का या गाउन का जो फ्लेयर है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैं 2 या 3 ड्रेसेस के ऊपर, मतलब 2 या 3 ड्रेसेस में 2 या 3 ड्रेसेस में पहनने वाली हूँ कैनकैन स्कर्ट के साथ। तो उससे आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये कैनकैन स्कर्ट रियली में वर्क करती है, क्योंकि जो कैनकैन जो मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा महंगा आता है। तो अगर ये स्कर्ट 400 या 500 रुपए की आपको मिल रही है एंड हर गाउन या हर स्कर्ट या हर चीज के साथ वो जा रही है अच्छे से, तो क्यों फिर हम अलग अलग से ये मटेरियल लगवाएं अपने लहंगे या गाउन में, हम क्यों ना एक स्कर्ट ही परचेज कर लें। तो ये सारे डाउट जितने भी गर्ल्स के मन में होते हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि क्या ये हमारे हर तरीके की जो ड्रेस है उसके साथ जाएगी या नहीं। तो बहुत बातें हो गई गाइस, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। तक को वियर करके दिखा देती हूँ डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ, एंड अगर आपको ये पसंद आए और आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मैं वो जो मेरी वीडियो है उसमें इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं एंड उसमें इसका रिव्यू भी है। तो कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेरी है तो वहां से क्लियर हो जाएगी, एंड उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैंने ये गाउन पहना है, ये आपने देखा होगा मैंने अपने तीज वाले व्लॉग में भी इसको वियर किया था। तो ये इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन एंड इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, बट कॉटन फैब्रिक होने की वजह से जो इसका फ्लेयर है वो इतना फ्लफी नहीं दिख पाता, ये बिल्कुल मतलब ऐसे चिपका रहता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके फ्लेयर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इसका घेर है एज यू कैन सी गाइज, बट क्योंकि ये फैब्रिक आपको मैं पास से दिखा रही हूँ ये कॉटन फैब्रिक है तो जिसकी वजह से इसका फ्लेयर प्रॉपरली नहीं आ पाता। गाइस अब मैं आपको इसको कैनकैन स्कर्ट के साथ वियर करके दिखाऊं। वो बड़ा है तो मतलब इस कैनकैन स्कर्ट से अगर वो बड़ा है, कैनकैन स्कर्ट का जो ये घेरा है इससे बड़ा है तो वो वर्क करती है, अदरवाइज अगर आपकी गाउन का जो फ्लेयर है वो कैनकैन स्कर्ट से छोटा है तो वो वर्क नहीं करती, तो वो अजीब सी शेप लगती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें जब भी आप वियर कर रहे हैं कैनकैन स्कर्ट, तो आप अपने लहंगे या गाउन का जो फ्लेयर है जो उसका घेरा है वो आपकी कैनकैन स्कर्ट का जो घेर है उससे बड़ा होना चाहिए।
नेक्स्ट जो मैं कैनकन स्कर्ट वियर करूंगी, एक्चुअली वो मैं वियर करने वाली हूँ अपने ब्राइडल लहंगे के ऊपर। एक्चुअली मेरे ब्राइडल लहंगे में कैनकन जो मटेरियल है, हैंड मटेरियल, वो लगा हुआ है ऑलरेडी, बहुत ही फ्लेयर है उसमें। बट मैं उसमें ये देखना चाहती हूँ कि क्या कैनकन स्कर्ट वियर करने के बाद वो और ज्यादा, तो उसका फ्लेयर और ज्यादा खूबसूरत लगता है या नहीं। तो चलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट को भी करते हैं। जो सूट है ये आपने मुझे कई बार देखा होगा, गंगा मेले वाले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, बट मैंने कभी भी इसको कैनकन स्कर्ट के साथ वियर नहीं किया। तो आज मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, आप देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत, मतलब एकदम से उभर के आया है ये, इसका लुक काफी प्यारा लग रहा है। तो आप भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। एंड मैं तो पक्का कैनकन स्कर्ट को अपनी पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ पहनने वाली हूँ, बिकॉज आपने देखा कितना अच्छा वॉल्यूम इसने इंक्रीज कर दिया मेरी ड्रेसेस का। तो जो नॉर्मल सिंपल ड्रेसेस लगती थी वो फ्लेयर्ड लुक आ गया उनका। तो आप भी अगर इस कैनकन स्कर्ट को परचेज करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, एंड उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कैनकन स्कर्ट का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, एंड उसका इसका रिव्यू भी मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, तो आप जरूर चेकआउट करिए। एंड मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कैनकन स्कर्ट हम सभी के पास है तो उसको फोल्ड करने में बड़ी परेशानी होती है। तो पहले मैं सोच रही थी कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोचा इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ, एंड अगर आप लोग बोलोगे तो दोबारा से मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि कैनकन स्कर्ट को आपको फोल्ड कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी कैनकन स्कर्ट हो गई गाइज, इसमें आपको टू लेयर्स हैं, आपको पता है, आपने ये ऐसे ओपन कर ली, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको इसकी एक एक ये जो इसमें ये है इसको पकड़ना है, पहली पकड़ी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, एंड फिर लास्ट ये। तो आपको इस तरीके से इसको पकड़ लेना है दोनों साइड से। ये देखिए गाइस, दोनों साइड से आपने पकड़ ली। फिर से बता रही हूं, ये आपने ऐसे खोल ली, कैनकन स्कर्ट है ये आपकी, ये इसका ऊपर ये आपको देखिए पूरी कैनकन स्कर्ट है। तो सबसे नीचे वाली आपने पकड़ी, फिर सेकेंड नंबर वाली, जितनी भी आपके में दी हुई है। नेक्स्ट आपने ये एक छोर इसका पूरा इस तरीके से पकड़ लिया। आप टेंशन न लिए, बिल्कुल भी फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। सेकेंड भी हमने ऐसी सेम करके पकड़ लिया है। तो आप देखिए ये मैंने दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ लिया है। अब इस तरीके से पकड़ने के बाद आपको ट्विस्ट देना है। देखिए ध्यान से, ऐसे मोड़ते हुए, एंड ये देखिए, ये हमारी कैनकन स्कर्ट की आपकी जो तय है वो बन चुकी है, एंड इसको आप फिर पैक करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसकी तय बना ली है, एंड आप इसको अब आराम से इजीली अपनी जो पॉलिथीन है, इसकी पॉलिथीन बड़ी संभाल के रखिए गाइस, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी।